नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं उसका। दर्शकों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि 6 से 8 साल के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा दस्त या फिर उल्टी देखी जाती है। ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार। इनके बारे में दर्शकों आपको बता दूं कि ये हैं बिहार के जाने माने नवजात रोग विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 6 से 8 साल मतलब 8 महीने के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है जो दस्त और उल्टी की समस्या देखी जाती है, तो ये क्यों होता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मुस्कान, ये यूजुअली दस्त और उल्टी ये जो होता है ना 6 से 8 महीने के बच्चों में, ये एक्चुअली डेवलपमेंट का कारण क्या होता है कि बच्चों में, हर बच्चों में विकास होता है, और बच्चा 6 महीने से 7 महीने के बाद क्या होता है ना, वो बैठना शुरू करता है, एंड 7 से 8 महीना जैसे ही होता है तो वो क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, क्रॉलिंग उसके बाद क्रीपिंग ऐसे स्टार्ट करता है, एंड बच्चों में हैंड टू माउथ हैबिट डेवलप होता है जो कि एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो वो उसके कारण क्या होता है कि बच्चे को कुछ भी चीज़ नीचे से उठा के मुँह में लेने का एक उसमें क्यूरोसिटी होता है, कुछ भी चीज़ लेके वो ट्राई करेगा कि मुँह में ले। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि और साफ़ सफाई नहीं होने के कारण से बच्चों में देखेंगे कुछ भी उठा के नीचे गिरा हुआ है खाने का, या कोई भी दाना कुछ भी मुंह में ले लिया, और जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों में इन्फेक्शन जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है। उन बच्चों में ज़्यादा आप देखेंगे दस्त उल्टी होने का चांसेस रहता है और होता है। यूजुअली ये हमारे सोसाइटी में और माताओं में ये मिसकंसेप्शन है कि बच्चे जैसे ही दांत आता है, ठीक है ना, दांत आता है उसके साथ दस्त और उल्टी होता है, ऐसा नहीं है। दांत आना एक बच्चों में ये नेचुरल प्रोसेस है, ये एक समान प्रक्रिया है, वो डेवलपमेंट का फेज है कि 6 से 8 महीने के बाद दांत आना शुरू होता है, और जैसे ही दांत आना शुरू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों में नेचर ने उसे कुछ जैसे चबा के खाने की, जैसे हम बड़ों में होता है वैसे उसमें एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जो नेचर के द्वारा कंट्रोल है। ठीक है, तो वो दांत आना नॉर्मल प्रोसेस है, दांत आना 8 महीने से शुरू होता है, और किसी किसी बच्चों में 2.5 साल 3 साल तक के एज तक दांत आता है, तो लोग इसको दांत आने से जोड़ देते हैं कि दांत आ रहा है इसलिए दस्त हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये बच्चों में हैंड टू माउथ जो है ना, ये एक डेवलपमेंट का फेज है जो जिसके कारण वो कुछ भी गंदे चीज़ को मुंह में उठा के कभी ले लेता है जिसके कारण वो इन्फेक्शन होता है, एंड फिर बच्चों को दस्त और उल्टी शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में अगर इस तरह का होता है किसी भी बच्चे को तो बहुत ही जैसे कि होम्योपैथिक या कोई भी अदर मेडिसिन माता यूज करती है, और जो दांत आ रहा है नहीं है और ये दस्त रुक जाए, वो सारा चीज़ नहीं करना है। कभी भी आपको अगर बच्चे को अगर दस्त या उल्टी होता है, आप इमिडिएटली अपने डॉक्टर से परामर्श लें, और जैसा कि अब मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि जब भी बच्चों को दस्त हो तो आप घर में ORS रखें, साफ़ सुथरा पानी में जो कि आपके फिल्टर द्वारा या बॉयल्ड पानी उसमें ठंडा करके उसमें ORS घोल के इमिडिएटली पिलाना शुरू करें, और अपने डॉक्टर से परामर्श लें, और अगर किस तरह का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से परामर्श लेके उसका इलाज करवाएं। ये सबसे सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो हमने समझा कि जो 6 से 8 महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें ये जो दस्त और उल्टी की समस्या किन कारणों से हो सकता है, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि दांत आने की वजह से ही होता है, और भी बहुत से कारण हैं जिन वजहों से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आशा करते हैं तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।